हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और शानदार हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसे सितंबर 2022 में रिलीज किया गया है। ये सारी वेब सीरीज बहुत ही कमाल की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। हाँ हेलो, मैं गोडबोले रोड पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। ए शर्मा माधवचोद, मस्ती मत कर। इंस्पेक्टर तांबे बोल रहा हूँ। नंबर वन, उत्तरण। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक नई नवेली दुल्हन से, जिसका करियर अचानक से ही बर्बाद हो जाता है जिस दिन उसकी एक पास्ट की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है। और असल में ये वीडियो इंटरनेट पर कौन डालता है, इवन इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज हिंदी और बंगाली दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है होइचोई पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 6.3 की। नंबर टू, डैमेज। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और बाद में उन्हें मार देती है। लेकिन असल में ये लड़की ऐसा काम क्यों कर रही होती है, इवन लड़की के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, यही सारी चीजें रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है IMAX प्लेयर पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 5.5 की। नंबर तीन, द ब्रोकन न्यूज। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में आप देख पाएंगे एक न्यूज चैनल को जो कि अपनी TRP बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स का इस्तेमाल किस तरह से करता है और लास्ट तक इस न्यूज चैनल का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज रिलीज की गई है G5 पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 7.7 की। क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता। दीपांकर का सच लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब दीपांकर सान्याल बोलता है ना, पूरा देश सुनता है।